नमस्कार, वीरी टीवी भारत में आप सभी का स्वागत है। बिहार के बाहुबली विधायक अनंत सिंह को झटका लगा है। AK-47 मामले में RJD विधायक अनंत सिंह को MP-MLA कोर्ट ने दोषी बताया है। अब 21 जून को अनंत सिंह को सजा सुनाई जाएगी। आपको बता दें कि मामला साल 2019 का है, जब अनंत सिंह के घर पर छापेमारी हुई थी। बिहार के छोटे सरकार यानी मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह के घर से AK-47 बरामद हुई थी। तब बाढ़ की तत्कालीन ASP लिपि सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने अनंत सिंह के लदमा गांव स्थित घर पर छापेमारी की थी। करीब 11 घंटे तक चले सर्च ऑपरेशन में अनंत सिंह के घर से AK-47 के साथ ही हैंड ग्रेनेड, 26 राउंड गोली और एक मैगजीन बरामद की थी। पुलिस के सर्च ऑपरेशन की अगुवाई करने वाली लिपि सिंह का दावा है कि हथियार तस्करी की पुख्ता सूचना के आधार पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। इसकी जानकारी तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गरिमा मलिक और तत्कालीन पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडे को दी गई थी। फुल प्रूफ तरीके से पुलिस ने सुबह सुबह करीब 4 बजे ही अनंत सिंह के घर पर छापेमारी की थी। छापेमारी के बाद अनंत सिंह के घर से पुलिस ने केयरटेकर को गिरफ्तार किया था, तब अनंत सिंह फरार हो गए थे। अनंत सिंह ने बिहार पुलिस को 3-4 दिन छकने के बाद राजधानी दिल्ली की साकेत कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। दिल्ली की साकेत कोर्ट में सरेंडर करने के बाद बिहार पुलिस अनंत सिंह को ट्रांजिट रिमांड पर लेकर बाढ़ आई थी। लिपि सिंह खुद भी दिल्ली गई थी। अनंत सिंह 24 अगस्त 2019 से ही पुलिस की गिरफ्त में है। अनंत सिंह अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहे हैं। उनके नाम से सोशल मीडिया पर कई मीम्स भी वायरल होते रहते हैं। ताज़ा अपडेट्स के लिए वीरी टीवी भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार।